तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा बिरयानी। आप लोग मीट बिरयानी, मुर्गा बिरयानी खाए होंगे, मगर अंडा बिरयानी आप लोग नहीं खाए होंगे। शायद लोग खाए होंगे, मगर हम ऐसा बताएंगे, हटकर बताएंगे। तो वीडियो में पूरा देखिए, आधा 20 मिनट वीडियो मत करिएगा। कैसे बनाएंगे, क्या डालेंगे, क्या ऐड करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा हार्ड है। और गैस बहुत गर्मी किया हुआ, देखिए आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में हम बैठ रहे हैं किचन में और आपके लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा अंडा बिरयानी, आपको आँखों पर भरोसा नहीं होगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब इस वीडियो में हम बताएंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा, कैसे हम बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, सब इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा मत देखिएगा। और थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा चेहरा पर आता हुआ कि लाइन शाम का शाम यहाँ लाइन कट जाता है डेली, और इन्वर्टर से ही बत्ती जल रहा है। तो प्लीज़, और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को बताते हैं क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे। मात्र कुकर में हम बना के अंडा बिरयानी दिखाएंगे, वो भी पूरा झकास। आपको देख कर आपको मुँह में पानी आ जाएगा, कैसे बनाएं आंटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, वीडियो में बने हुए रहिए। गाइस ये कुकर है, कुकर में ही बना के हम दिखाएंगे बिरयानी। तो कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम रिफाइंड डालते हैं। याद रखिए, रिफाइंड में ही बनाइएगा, पर यानी बिरयानी रिफाइंड में बनता है। तो ये हम रिफाइंड थोड़ा सा ऐड कर दिए, इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना भी है। तो ये रिफाइंड को गर्म होने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या इसमें डलाएगा, कैसे बनेगा। वीडियो में जुड़े हुए रहिए गाइस। आप लोग आधा वीडियो स्पीक मत करिएगा, तो आधा स्पीक करिएगा तो बाद में बोलेगा आंटी हमको समझ में नहीं आया आप कैसे बनाएं। तो वीडियो में पूरा जुड़े हुए रहे, पूरा स्पीक मत करिए, पूरा देखिए वीडियो कैसे हम बना रहे हैं, क्या इसमें ऐड करेंगे, कैसे बनाएंगे, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने हुए रहिए। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम ये प्याज, कटा हुआ प्याज है, तो प्याज को हम ऐड करते हैं। थोड़ा सा ऐड करना है प्याज को, थोड़ा सा हम प्याज को ऐड कर दिए। इस प्याज को आपको तेज आँच पर, इसको प्याज को हल्का ब्राउन करना है, हल्का कलापन पड़ रहा है, हल्का इस प्याज को ब्राउन कर, तेज आँच पर, धीमा आँच नहीं करना है, तेज आँच पर इसको प्याज को ब्राउन होने दीजिए। इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने दीजिए प्याज को, इसको हल्का ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं जलाना है प्याज को, ज़्यादा जलाने पर आपको जलापन लगेगा। तो हल्का ब्राउन करने दीजिए और वीडियो में बने हुए रहिए। गाइस देखिए, प्याज इस तरह से लाल हो चुका है, आपको इस तरह से हल्का लाल कर देना है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, तो हम प्लेट ले लेते हैं, इस प्लेट में हम ये प्याज को निकाल लेना है, हल्का ब्राउन करना है, देखिए देखने में अच्छा लगे। तो हल्का ब्राउन करना है, अब दिखता होगा। तो हम प्लेट में इस प्याज को निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम बताते हैं। प्याज को टोटल निकालना है, तो देखिए हम प्याज को अपना प्लेट में निकाल लिए हैं, एक भी प्याज अंदर नहीं छोड़ना है, तो जला ऐसा लगेगा। तो हम टोटल प्याज को निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। अभी प्याज को हम साइड रख देते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है ये अंडा, डाल देते हैं। जो अंडा को हम छेद छेद कर दिए हैं, जो अंडा आपको दिखता होगा, ये अंडा, इसको छेद छेद करना है। तो इसे अंडा को हम इसमें डाल देते हैं, धीमा आँच पर ही अंडा को डालना है, तेज नहीं आँच करना है। अंडा को हम डाल दिए इसके अंदर, कुकर के अंदर। अब इसमें हमको ऐड करना है हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा हम ऐड कर दिए। तो ये देखिए हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, ताकि इसका रंग आ जाए। इसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर, हल्का तीखा अनुसार अपना, जितना आपको तीखा पसंद रहे, हल्का इसमें कलर सिपाना चाहिए। तो हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए। अब इसे हम ब्राउन होने देते हैं अंडा को, लाल लहसुन पूरे नहीं, लाल लहसुन हो जाते हैं, अंडा को भुंजाए देते हैं। वीडियो में बने रहिए, देखिए इसी तरह से आपको अंडा भूंजना है। तो इसको अंडा को ब्राउन होने देते हैं लाल, तो वीडियो में बने हुए रहिए। अंडा भुंजा के रेडी हो चुका है, देखिए लाल हो चुका है। अब इसे अंडा को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अंडा को देखिए भुंजा गया, लाल हो गया है अंडा। इसे हम एक प्लेट में एकाउ करके हम निकाल लेते हैं अंडा को, इस तरह से निकाल लेते हैं गाइस। बहुत सुंदर लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। तो इसे निकालने दीजिए अंडा को, देखिए इसको हल्का ब्राउन करना है। अंडा को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख सकते हैं। अब इसे धीमा आँच करना है। इसमें आपको तेल ज़्यादा लगता है तो तेल ठीक है, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड को यूज कर सकते हैं। तो हम तेल डाल दिए। अब इसमें हमको ऐड करना है दो पत्ता चरपत्ता, ये चरपत्ता है।
इसमें लौंग, ये लौंग करना इलायची, इलायची लौंग कर दिए। ये बड़ी इलायची है तो बड़ी इलायची डाल दिए। इसमें जीरा डालना है तो जीरा हम डाल दिए, जीरा हम डाल दिए। इसमें लौंग है, चार पीस लौंग है, देख सकते हैं लौंग, तो लौंग को डाल दिए। इसमें छोटी इलायची है तो इसमें छोटी इलायची दो पीस डाल दिए। अब इसे हल्का ब्राउन होने देते हैं, कर दिए इसे हल्का ब्राउन होने देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं, इसमें हम ये लाल मिर्च अपना तीखा अनुसार आपको लाल मिर्च ऐड कर देना है। इसमें ऐड कर दिए, अब इसमें आपको ऐड कर देना है थोड़ा सा, इसको ब्राउन होने दीजिए, जिसको जितना आपको तीखा पसंद है। अब इसमें ऐड करना है प्याज, तो प्याज को हम ऐड कर दिए, प्याज को हम ऐड कर दिए इसमें, प्याज को ऐड कर। इसमें अब थोड़ा सा हमको नमक ऐड करना है, तो इसमें देखिए इस तरह से भुंजा कर रहा है प्याज। अब इसमें हमको थोड़ा सा टमाटर या पीस, दो पीस कटा हुआ ऐड करना है, इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब इसमें हमको नमक ऐड करना है, तो नमक टमाटर के गलने के लिए तो हर वीडियो हर सब्जी में नमक का ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं ताकि गल जाए। तो नमक स्वाद अनुसार अपना ऐड कर दिए, तो नमक को हम ऐड कर दिए इसमें। अब इसे हम गलने देते हैं, इस प्याज और ये टमाटर को ही गलने देते हैं इसमें, यानी ये पूरा गल जाएगा। तो यानी 5 से 10 मिनट इसे गलने देते हैं। वीडियो में बने हुए रहिए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अंडा बिरयानी आप लोग कभी नहीं खाए होंगे, तो बस वीडियो में बने हुए रहिए। देखिए प्याज भुंज आ गया, टमाटर को आपको अच्छा से इस तरह से पीसना है, और चावल को 15 मिनट तक आपको भिगोना है। तो हम भिगो कर रख लिए हैं, बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना चावल टूट जाएगा। तो इस तरह से आपको प्याज को बेस्तरी गलाना है। तो मेरा प्याज गल गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे ये काली गोलकी, गोलकी यानी गोलकी इसमें ऐड करेंगे। मसाला धीमा आँच कर देते हैं, इसमें मसाला ऐड कर दिए। इसमें अपना मिर्चा ऐड करना है, तो मिर्चा स्वाद अनुसार अपना तीखा जितना खाते हैं, तो इसमें मिर्चा ऐड कर दिए। अब इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा ऐड करना है, तो हल्दी पाउडर हम ऐड कर दिए थोड़ा सा ही, तो हल्दी पाउडर हम ऐड कर दिए, देख सकते हैं हल्दी, तो हल्दी पाउडर ऐड कर दिए। इसमें बिरयानी मसाला हम डाल सकते हैं, देखिए बिरयानी मसाला ये मंगाए हैं, तो बिरयानी मसाला आप टोटल डाल दीजिए इसमें। तो हम बिरयानी मसाला हम डाल दिए सर, तो बिरयानी मसाला डाल दिए। इसमें थोड़ा सा आप गरम मसाला शायद आप बनाने के बाद भी डाल सकते हैं, ना तो अभी भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा ये MDF मसाला है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा हमको गरम मसाला डाल दिए हैं। अब इसे हमको चलाना है, धीमा आंच पर ही चलाना है आपको, है तो देखिए धीमा आँच पर चलाना है, तो देखिए भुंजा रहा है इसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना का पत्ता, तो देखिए पुदीना का पत्ता है, धनिया का पत्ता, तो थोड़ा सा हमको पुदीना का पत्ता ऐड करना है। धनिया का पत्ता है तो धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो दोनों को मिक्स कर दिए। अब इसे हम अच्छा से चला लेते हैं तेज आंच पर, तो इस तरह से हमको इसको चलाना है, देख सकते हैं गाइस आपको दिखता होगा, इस तरह से आपको चलाना है। तो 5 से 10 मिनट से भूनने दीजिए, वीडियो में बने हुए रहिए। मसाला भूंजा के रेडी हो चुका है, नीचे सट रहा है मसाला, तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाला भूंजा गया, इसमें दही ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे, तो 2 से 3 चम्मच इसमें दही ऐड करने दीजिए। आपको खट्टा दही नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए। इसमें हम 2 से 3 चम्मच दही को ऐड कर दिए। दही धीमा आँच पर ही भूंजिएगा, नीचे सटे नहीं, नहीं तो सटने पर जल जाएगा दही। इसे में हम दही ऐड कर दिए, इसे थोड़ा सा पकने देते हैं दही को भी। तो इस तरह से आपको दही ऐड करना है, ऊपर से आप थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए ताकि स्वाद बढ़ जाए। इसमें ऐड कर दिए दही और थोड़ा सा पकने देते हैं 5 से 10 मिनट, ताकि मसाला और दही में घुल जाए और स्वाद आवे। तो वीडियो में बने, तो बस इस तरह से आपको सिंपल तरीका से अंडा बिरयानी बन जाएगा 1 मिनट में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे भूनने देते हैं 5 से 10 मिनट तक, वीडियो में बने हुए रहिए। रखिए दही जब भी डालें तो तेल न तो आँच बुता दें, न तो धीमा आँच पर, कहने लगे नहीं तो दही फट जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दही को हम धीमा आँच पर ही भूंज रहे हैं इसको। याद रखिएगा कि दही को डालने से पहले आँच को धीमा कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आँच ही बुता दीजिएगा। धीमा आँच पर ही आपको दही को फ्राई करना है। देखिए दही सट नहीं रहा है, तो दही फट जाएगा तो स्वाद खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको दही को लेके भूंजना है, जिस तरह से हम भूंज रहे हैं आगे हम बताते हैं, वीडियो में बने हुए रहिए।
भुंजा के रेडी हो चुका है, तेल छोड़ दिया है। इसमें दो हम गिलास चावल लिए हैं तो दो गिलास ही पानी हम डालेंगे, तो एक गिलास हम पानी डाल दिए और एक गिलास और डाल देते हैं पानी। दो गिलास हम चावल लिए हैं तो दो गिलास हम पानी डाल देते हैं, दो गिलास हम पानी ऐड कर दिए इसमें। इस तरह से पानी ऐड हो गया है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, याद रखें चावल हल्का पहले डालें, सब चावल नहीं डालें। तो चावल को हम ऐड कर दिए हैं, हल्के चावल डालें, आधा ऊपर से डालें। हल्के हम चावल डाल चुके हैं, ये हम अपना आधा चावल हम बचा लिए हैं। अब इसमें हम अंडा ऐड करेंगे, तो इसे हम चावल को चला दिए हैं। अब इसमें हम अंडा ऐड करेंगे, इसमें अंडा ऐड करेंगे, तो अंडा को ऐड होने दीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसमें अंडा को ऐड कर दिए, अभी इसमें ऊपर से जो चावल बचा हुआ था ऊपर से ऐड कर दीजिए। एक बार चावल एक ही बार पूरा मत डाल दीजिएगा, ऊपर से ये चावल ऐड कर दीजिए। तो चावल को ऐड करने दीजिए, याद रखिए चावल को 15 मिनट तक ही भिगो के रखिए ताकि चावल टूटे नहीं। तो चावल को हम ऐड कर दिए, चावल को हम ऐड कर दिए, तो चावल को अच्छा से इसको हम कर देते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है घी, देसी घी, तो घी को भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो घी को भी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा घी हम ऐड कर दिए। अब इसमें हमको ऐड करना है धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता ऐड करना है, तो इसमें पुदीना का पत्ता धनिया का पत्ता ऐड कर दिए। तो वीडियो में बने हुए रहिए। दो हरा मिर्चा डालें और जो हम प्याज हम भूंजे थे ये डालें, प्याज को भी डाल दें। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, नमक डाल दें, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक अपना हो। इसमें हम घी ऐड कर दिए हैं, अभी से हम 10 से 15 मिनट से 2 से 3 सीटी मरने दें ताकि अच्छा से सीझ जाए, और तेज आँच पर ही रखें। तो वीडियो में बने हुए रहिए। एक सीटी आपको मनवाना है और ऊपर से फिर धीमा आँच करके आपको 2 से 4 मिनट तक इसे सीझना है। एक सीटी मरा के धीमा आँच करके इसको पकाना है। तो देखिए हम ऑलरेडी सीटी मार दिया एक सीटी, अब इसे एक सीटी से ज़्यादा सीटी नहीं मरवाना है, इस सीटी को मारने दीजिए। तो अब धीमा आँच पर इसको पकाना है 2 से 3 मिनट तक। तो वीडियो में बने रहिए, सब चीज़ हम दिखाते हैं। मिनट हो चुका है, अब इसे हम ये आँच को बुता देते हैं। आ कुकर नहीं आपको निकालना है सीटी, ऐसा ही सीटी आपको रखना है। तो इस कुकर को पूरा गैस निकलने दीजिए, उसके बाद वीडियो में बताते हैं। वीडियो बने हो रही है, कुकर को नहीं खोलना है, कुकर को इस सीटी आपको रहना है, बस कुकर का सारा गैस निकल जाए, उसके बाद हम खोल के बताएँगे कैसा मेरा बना अंडा बिरयानी। वीडियो में बने हुए रही है, बन के रेडी हो चुका है। हम कुकर को निकालते हैं और देखिए बनकर ये चावल भी सीझ गया है, चावल भी सीज गया है गाइस, देख सकते हैं आप चावल भी जब सॉफ्ट हो गया है। बस इस तरह अब आपको बिरयानी बनाना है, इसे हम प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। तो इसी टाइप का आपको बनाना है, वीडियो में बने हुए रहिए। प्लेट में हम निकाल चुके हैं अंडा बिरयानी, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस सिंपल तरीका, थोड़ा इसमें मेहनत है मगर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो बस आज के वीडियो इतना ही। तो कैसा लगा आपको अंडा बिरयानी? तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा खराब लगा, खाने में भी स्वादिष्ट है। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।